और हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो मुझे ऐड कर दिया है माइनक्राफ्ट में 1.20 का वर्जन, जिसके लिए मैं और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे थे। इसमें बहुत से मॉब्स, एनिमल्स और एक नई बायोम भी आई है जिसका नाम है चेरी ब्लॉसम बायोम। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाएगा कौन, बताएगा कौन, मैं हूँ ना दोस्तों, आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एडवांस में जाके चेरी ब्लॉसम बायोम में लगा लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे एडवांस में ऑप्शन आते हैं तो ताकि मैं और आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं करनी पड़े और जो फौरन जाके हम चेरी ब्लॉसम बायोम में ही स्पॉन हो। तो अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे बायोम, ओशन मॉन्यूमेंट से लेके ओशन मॉन्यूमेंट, टेलर का वो आउटपोस्ट, सब कुछ है यहाँ पे और काफ़ी सारे ब्रिजेस भी इसमें यहाँ पे डाले गए। तो अभी हम लोग करते हैं क्रिएट न्यू वर्ल्ड। उससे पहले मैं कर दूँ क्रिएटिव, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें आपको दिखा सकूँ कि जितनी चीज़ें इसमें आई हैं। और कुछ चीज़ें इसमें रह गई तो उसके लिए माफ़ी। तो यहाँ पे क्रिएटिव मैंने यहाँ पे कर लिया और यहाँ पे मैं नया फ्रेश 1.20 का एक नया वर्ल्ड बनाता हूँ, जिसमें आज से हमारी जो रिकॉर्डिंग वो शुरू होगी। और ये हमारी बिल्डिंग ट्रेन हो रही है, उसके बाद लेट्स गो आएगा, उसके बाद फिर हम चेरी ब्लॉसम बायोम में आएंगे। मैं सुना चेरी ब्लॉसम बायोम ऐसी होगी जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रही है। अब हम वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि ऐसी है भी कि नहीं, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और इसके जो पेड़ है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो ना पिंक कलर के, कुछ ऐसे लाइट पिंक, डार्क पिंक, तो ऐसे सब पेड़ है, थोड़ी ना फिजिक्स भी ऐड की गई है। इसके पेड़ से गिरी है ना वो पत्तियाँ, तो वो नीचे ज़मीन पे भी आ रही है। ऐसा कोई दूसरे बायोम में तो मुझे अब तक नहीं डाला है, तो उसमें भी आते रहेंगे ये सब चीज़ें। और कैमल भी आया हुआ, तो कैमल जो है काफ़ी बड़ा है मैंने सुना है, तो उसको भी जाके देखेंगे कि वो कितना बड़ा है, कितना ख़तरनाक है और कितना अच्छा है। जैसे माइंड का बहुत सॉफ्ट गेम है और बहुत ज़्यादा पीसफुल गेम है, जिसमें बस हमारी लड़ाई वड़ाई नहीं करनी होती, अपना घर बनाओ रहो, फिर एंड में एंड ड्रैगन को हमें किल करना होता है और फिर हम वहाँ से गेम को एंड कर जाते हैं। तो ये सब भी हम करेंगे। अभी हम यहाँ पे स्पॉन हो चुके हैं और हमारे जो स्पॉन जो एरिया है वो है एक ओक बायोम, और जहाँ पे वैसे मैंने चेरी ब्लॉसम बायोम लगाए थे लेकिन वो आई नहीं, जो शायद थोड़ा आसपास हमें यहाँ पे चेरी ब्लॉसम बायोम में मिल जाए। और स्नीफर का पता नहीं क्या है, इसको मुझे सीन नहीं पता, पर बस मैं ये सुना है कि वो थोड़ा मोटा सा है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, एक मिनट मिनट 250 ये क्या भाई, जैसा पिक्चर यार, कितनी अच्छी बात है, लग रहा है पता नहीं कहाँ आ गए। ऐसा भाई तो बड़ा खतरनाक बायोम है, इससे अगर हम घर बनाए तो लॉक से कितना अच्छा अपना खूबसूरत बनेगा हमारा घर। सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ उसकी पत्तियाँ और तोड़ के देखता हूँ थोड़ी, और उसके लॉक से इसको मैं तोड़ता हूँ थोड़ा। उसके लॉक जो है ना थोड़े से पर्पल शेड में आ रहे, तो मतलब लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा घर तो बनेगा हमारा। तो उसके प्लैंक्स वगैरह भी ऐड किए गए हैं और यहाँ की बोर्ड्स और राफ्ट भी एक ऐड की गई है जो बैम्बू से बनती है। बैम्बू अब बहुत बड़ा भाई यूज़ करना हो चुका है, बैम्बू का ना एक क्लास हो चुकी है। अब बैम्बू ना बहुत, आप समझिए बैम्बू अब नेक्स्ट लेवल चीज़ हो गई है, क्योंकि बैम्बू से ऐसी चीज़ें बनने लगी हैं जिससे हमारी लाइफ भी चेंज हो जाएगी एक तरफ। तो यहाँ पे भाई मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। पहले हम यहाँ पे चेरी ब्लॉसम बायोम में की जितनी चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं वो मैं आपको यहाँ पे चेरी ब्लॉसम बायोम में दिखा देता हूँ। तो इसके यहाँ पे ऐड किए गए हैं कुछ प्लैंक्स और फैंस, चेरी ब्लॉसम की फैंस जो काफ़ी अलग है। और ये मतलब जैसे अगर कोई लड़की खेल रही है उसके लिए तो ये पूरी बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि ये पूरा पिंक है भाई। और यहाँ पे कुछ इसमें स्टेयर्स और उसका डोर, मुझे बट देखना है कि डोर कैसा होने वाला है, क्योंकि हर वुड का ना अलग ही अलग बहुत अलग, एक से बढ़कर एक डोर होता है। तो और बैम्बू का भी डोर आया हुआ, मैंने भी सुना है। अभी पहले इसका देखते हैं, फिर बैम्बू का भी देखेंगे। और ये फैंस गेट जो भी सब कुछ यहाँ का पिंक कलर का यहाँ पे, और ये कुछ स्टेयर्स, ये ट्रैप डोर काफ़ी मस्त सा लग रहा है। और ये दरवाज़ा जो है इतना, हाँ दरवाज़ा तो सही है, इतना कोई हाथ नहीं लगा मुझे, तो मैं सोचा था लेकिन जो मैंग्रोव बायोम का दरवाज़ा है ना वो बस आपको देखना है। वो होता है ना बड़ा बड़ा शाही बायोम में होता है, बस वो बड़ा दरवाज़ा मैंग्रोव बायोम में ना मुझे बहुत तगड़ा लगा है। तो इतना कोई खास का दरवाज़ा नहीं लगा, बाकी सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी, मतलब जो होते हैं बेसिक। और अभी हम यहाँ पे आते हैं उस प्लेन बायोम में जाके, हम मतलब कैमल वैमल स्नीफर को लाते हैं। भाई क्या है भाई, क्या चीज़ है, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत छोटी सी बायोम होती है, क्योंकि मैंने ये शुरू होते ही ख़त्म हो गई है। वैसे अगर जो बड़ी बड़ी होती है प्लेन बायोम इसका मतलब इसकी इम्पोर्टेंस जो है आपको यही से पता चल जाएगी कि कितनी मुश्किल से मिलती होगी भाई। ओ भाई हाथी उड़ा लग जाते होंगे इसको ढूंढने में। और यहाँ पे भाई कैमल का यहाँ से निकालते हम लोग। ये हमारा कैमल आ गया और वो भी तो था एक स्नीपर आ गया। बस नहीं कुछ चीज़ें आई हैं यहाँ पे। दो ही मॉब्स इसमें डाले गए हैं लेकिन देखना पड़ेगा दो मॉब्स में है या कलाकारी भाई। तो मैंने कुछ सड़े भी लड़ी किया था क्योंकि कैमरे में शायद हम सड़े डाल के बैठने वाले। तो ओ बाप रे बाप उसकी तो 8 मीटर से भी बड़ी है। एक मिनट वो तो भाग रहा है। एक मिनट वो कौन मिलाता है ये? अच्छे से सही ये 2 सीटर भी है भाई साहब। ये तो बड़ा खतरनाक चीज हो गई भाई साहब। अब थोड़े मजे लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है यार। घोड़े के मुकाबले इसमें स्पीड थोड़ी स्लो है। लेकिन एक मिनट ये क्या होता है? बूस्टर लगाया मैंने, कहीं से लगाया ये ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये क्या चीज थी? ये ओए ये सही चीज। एक मिनट अबे ये तो बड़ा तेज क्या है ये भाई? जहाज है पूरा ये रेगिस्तानी जहाज। लेकिन इसको मैं अभी फिलहाल तो यहाँ पे चला रहा हूँ। रेगिस्तान में मिलने का मतलब उसको रेगिस्तान में चलाते हुए मजा आता। इसके बाद पीछे एक दुम भी है यार। वाह पीछे 2 बंदों की जगह और फिर शायद इसमें पता नहीं कैसा है ये कैमल। अभी इसको पानी लगा के देखते हैं। पानी भी सामने मुझे मिल चुका है। यहाँ पे इसको तेरी कैमल भी लगा दी भाई। बहुत ज़्यादा चोट लगी। लेकिन इसका ना मसला यही है ये भाई सिर्फ रेगिस्तान के लिए बने। इसको जंगल में लेकिन गलती से भी नहीं जाना। बंदे पर सर ठोड़ा ठोड़ा के पता नहीं क्या क्या बना देगा ये देखो। और भाई पेड़ों में फंस गया ये भाई। सिर्फ रेगिस्तानों में रेगिस्तानों को जहाज को सील ही कहा जाता है। तो भाई यहाँ पे हम चुके पहले के ज़माने में जो इजिप्शियन लोग होते थे वो ज़्यादा कैमल्स का इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो मतलब कैमल जो है वो पानी भी स्टोर कर लेता है और वो रेगिस्तान में काफ़ी तेज़ भागता है बाकी एनिमल्स के मुकाबले और काफ़ी दिन तक सर्वाइव भी कर सकता है। और यहाँ पर एक मिनट ये स्नीफर था लेकिन एक मिनट दूसरा भी निकलेगा। अच्छे मेरे 2 गोले मुझे लगा भाई एक स्नीफर को लड़ने में 2 स्नीफर मिलने 1 बाय 1 गेट 1 फ्री वाली बात हो। ये 2 अभी इसका यूज़ क्या है? एक तो मोटर है भाई ये तो वो छोटा सा है। ये तो बच्चा लग रहा है मुझे। इसका यूज़ क्या है यार? करेगा क्या इसको? शटर डाल के देखो। इतनी सवारी वाली ना दे रहा कहीं। अबे है क्या चीज भाई कुछ तो बता दे। तो अलग ही अपनी दुनिया में मकान है यार। देख इसको मैं गंडे में फेंकूंगा। ये गया लो पहला कतल हमसे हो चुका है स्नीपर का। अब मुझे ना इसका यूज देखना पड़ेगा सही से ना। ओ भाई कुछ कर ले। क्या ये यूं कर रहा है? सड़क में लग रही इस पे तो। इसका यूज क्या है यार? ये क्या यूज है इसका? अगर आप लोगों में से किसी को इसका यूज़ पता है तो मैं ज़रूर इसका यूज़ कमेंट में ज़रूर बताएगा ताकि मैं भी इसको यूज़ करके अपनी वर्ल्ड में ना कुछ चीज़ें बना सकूँ। लेकिन इसका यूज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट यार पता नहीं क्या चीज़ है। इसका बड़ा मोटा है यार। और मैं सुना इसकी 6 टांगे होती हैं। 6 टांगे भी चेक करनी पड़ेंगी इसकी। और ये काफ़ी बड़ी चीज़ है भाई स्नीपर ना। और अभी मैं देखता हूँ मैं चेरी ब्लॉसम के साइड में सारा काम कर रहा हूँ और देखना हमें और क्या नई इसमें चीज़ें या मोज़ाइक ने डाली है तो वो भी मैं चेक तो ज़रूर करनी पड़ेगी कि आप लोगों को भी वो देखना है। मुझे भी भाई देखना है वो चीज़ें कि मैं डाली क्या चीज़ें गई हैं। ये लिपस्टिक तो एक मिनट मैंने ये गई तो मैंने है ब्रश साफ़ सफाई करनी है क्या? अच्छा हम साफ़ सफाई करेंगे। एक मिनट मुझे इसको साफ तो होनी है किस चीज़ के लिए। एक मिनट भाई क्या भाई ये पता नहीं क्या है कि कर क्या रही है। सिर्फ सफाई कर रहा है उसको तो कुछ चीज नहीं टूट रही। एक मिनट कर क्या रही है पता नहीं। ऐसी है शायद ये फन के लिए डाला हुआ है शायद ये कुछ। और उसका भी कोई यूज़ है पता नहीं क्या है यार। ये उसको भी बाद में देखना पड़ेगा। अभी मैं देखता हूँ कोई और चीज़ अगर इसमें यहाँ पे आई हो मुझसे कोई आई चीज़ है नहीं अभी। हाँ यार सबसे मेन चीज़ तो हम भूल गए और वो है हमारे बैम्बू वाली चीज़ें भाई। बैम्बू के भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आई हैं। बैम्बू बड़ा यूजफुल मटेरियल हो चुका है। पहले तो सिर्फ पांडा की पीठ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ हुआ करता था बैम्बू और ज़्यादा से ज़्यादा स्कार्फ वर्डिंग के लिए यूज होता था। अब भाई इसका दाम बढ़ गया। और यहाँ पर इसका दरवाज़ा देखना है मुझे। इसका दरवाज़ा मैं देखूँगा। एक मिनट ट्रैपडोर भी रहेगा। ट्रैपडोर नहीं है। एक मिनट ये बहुत सारे ट्रैप दे रहे हैं भाई इसमें तो भाई आयरन का भी है और चेरी वाला तो हमने देख ही लिया। बाकी तो सारे पुराने उनको तो आप सभी ने देखा होगा। ये भाई ये क्या चीज़ है दरवाजा बैम्बू का भी अच्छा है यार, ऐसी बात नहीं है। चेरी वाले से ज़्यादा अच्छे बैम्बू के, चेरी के कुछ सिंपल्स है, बैम्बू वाला ज़्यादा अच्छे है और बैम्बू के ब्रांड भी कुछ ज़्यादा अच्छे हैं। अब देख सकते हैं कि ये सारी बैम्बू की चीज़ें हो हमारे पास। अब मैं इन सबको फेंकता हूँ और यहाँ देखिए कितनी सारी चीज़ें हो गई बैम्बू की और बस शायद इतनी चीज़ें यहाँ पे आई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहें तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियो वो गेम जो मैं चाहता हूँ तब तक पहुँचाऊँ आप तक बात आने पहुँचा। आपसे मिलते अगली वीडियो में एंटरटेनमेंट एडवेंचर के साथ। और जब तक मुझे थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा लेता है यहाँ।